हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पांडा वेब और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों, देश की पहली स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, इस ट्रेन की बुकिंग IRCTC के वेबसाइट पे स्टार्ट कर दी गई है। आप भी अपने लिए इस ट्रेन में टिकट बुक कर सकते हैं IRCTC के वेबसाइट के थ्रू, या आप काउंटर से भी इसके लिए टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप टिकट बुक कर सकते हैं और प्रोसेस क्या है, नया आपको क्या देखने को मिलेगा जब आप इस ट्रेन में टिकट बुक करते हैं, ट्रेन नंबर क्या है और किस किस दिन आप इस ट्रेन में टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रोसेस ट्रेन 18 वंदे भारत में टिकट बुक करने का और देखेंगे ट्रेन 18 वंदे भारत में आप किस किस दिन ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं और आपको प्राइस क्या पे करना पड़ेगा ट्रेन 18 में। तो यहाँ पे मैं अपने IRCTC के वेबसाइट पे हूँ और मैं यहाँ पे जो टिकट बुक करूंगा वो न्यू दिल्ली NDLS टू वाराणसी, जिसका कोड है BFB। यहाँ पे वाराणसी के लिए आप टिकट यहाँ पे सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था, ये ट्रेन आप 17 फेब से अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे 17 फेब और उसके बाद फाइंड ट्रेन, इसे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे वेबसाइट में देख सकते हैं जो सबसे पहली ट्रेन है वो आपको वंदे भारत एक्सप्रेस 22436 देखने को मिल जाती है। इसमें आपको दो कैटेगरी मिलेगी, यहाँ पे एसी चेयर और एग्जीक्यूटिव चेयर कार, ये दो कैटेगरी में आप अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं। टाइमिंग जो है 6 बजे मॉर्निंग यहाँ पे न्यू दिल्ली से स्टार्ट होगी और 2 बजे आपको वाराणसी पहुंचा देगी। यहाँ पे टोटल टाइम आपको जो लगेगा वो 8 आवर का टाइम यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एसी चेयर कार के लिए टिकट आपको क्या पे करना होगा। चेक एबिलिटी फेयर में आपको क्लिक करना है, जैसे आप नॉर्मल अपने लिए जो टिकट बुक करते हैं उस प्रोसेस में करते हैं, सेम आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 17 फेब को भी अवेलेबल है ट्रेन, 19 को भी, 20 को भी और 22 को भी। तो यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से दिन आप इस ट्रेन में टिकट बुक कर सकते हैं, तो सिंपल आप ट्रेन के नेम पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि कौन कौन से दिन ट्रेन अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंडे को रेड मार्क है, मतलब आप मंडे को टिकट बुक नहीं कर सकते हैं, ट्रेन अवेलेबल नहीं है मंडे को। ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को है, थर्सडे को नहीं है, फ्राइडे है, सैटरडे, संडे है, मतलब ये ट्रेन जो आपको टिकट बुक करनी है वो 1 वीक में 5 डेज आपको ट्रेन अवेलेबल मिल जाती है, बस 2 दिन ये ट्रेन नहीं चलती है, मंडे और थर्सडे को। ये ट्रेन न्यू दिल्ली से स्टार्ट होगी और वाराणसी तक ये जाती है ट्रेन है, 6 बजे की टाइमिंग है और 2 बजे आपको ये ट्रेन आपको वाराणसी पहुंचा देगी। टोटल जो टाइम लगेगा वो 8 घंटे का ट्रेवल टाइम है और जो डिस्टेंस है वो 769 किलोमीटर टोटल है। ये ट्रेन ओनली 2 स्टेशन पे रुकती है, कानपुर सेंट्रल में जो 10:18 और उसके बाद इलाहाबाद जंक्शन में रुकेगी। यहाँ पे दोनों स्टेशन में 2-2 मिनट का होल्ट टाइम है, 2 मिनट से ज़्यादा ये ट्रेन नहीं रुकेगी वहाँ पे। तो यहाँ से आप ट्रेन बुक करना चाहते हैं कानपुर सेंट्रल से तो वहाँ से भी कर सकते हैं, इलाहाबाद जंक्शन से भी कर सकते हैं और न्यू दिल्ली से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है न्यू दिल्ली टू वाराणसी, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको बुक नाउ पे क्लिक कर देना है। बुक नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मल जो आप बुकिंग करते थे सेम आपको वही फॉर्म देखने को मिल जाएगा, बस इसमें जो एक नया ऑप्शन दिया गया है आपको यहाँ पे नेम फिल करना है और उसके बाद एज, जेंडर और नंबर प्रेफरेंस, यहाँ पे विंडो साइड आपको ऑप्शन मिल जाता है। फूड चॉइस भी आपको दिया गया है यहाँ पे, वेज और नॉन वेज। काफ़ी सारी ट्रेनों में दोस्तों आप फूड यहाँ पे लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं और ना लेना चाहें तो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप विदाउट फूड भी यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। बट जो ट्रेन 18 वंदे भारत में यहाँ पे आपको जो यहाँ पे चॉइस नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको कंपलसरी है कि आपको यहाँ पे फूड सेलेक्ट करना है और फूड आपको ट्रेन में कैटरिंग की तरफ से ही अवेलेबल कराया जाएगा। इसका जो कैटरिंग कॉस्ट है वो टिकट में ही ऐड करके आपको टोटल प्राइस यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो फूड चॉइस है यहाँ पे कंपलसरी है, आपको फूड लेना ही लेना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आपके जो फेयर में उसमें ऐड होके आ जाएगा। तो बेटर है कि आप यहाँ से फूड ले लें
और जो कॉस्ट है यहाँ पे देखिए कैटरिंग चार्ज भी यहाँ पे दे दिया गया है। फूड चॉइस यहाँ पे आप वेज सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया, और सेम उसके बाद जो प्रोसेस है आपको सेम एज इट इज यहाँ पे आपको सेम चीज देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और जो कैप्चा है आपको यहाँ पे एंटर करना है, कैप्चा एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक कीजिए, और जो आपको नॉर्मल जो अवेलेबल डिटेल आपको मिलता था वो ही देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिटेल है आपकी ट्रेन बुकिंग की वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एबिलिटी स्टेटस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नेम कौन सा है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। फेयर डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या फेयर आपसे चार्ज किया गया है, 1755 यहाँ पे टोटल कॉस्ट है एसी चेयर के लिए। और उसके बाद जैसे आपको पे करना है कंटिन्यू बुकिंग में आप पे कर सकते हैं, जिस मीडियम के थ्रू आप पे करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लिए ट्रेन 18 वंदे भारत में टिकट बुक कर सकते हैं। आपके लिए विंडो ओपन कर दी गई है, बट आप जो टिकट टाइमिंग है वो 17 फेब से आप ट्रैवल इसमें कर सकते हैं। 15 फेब को हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखा दी जाएगी इस ट्रेन को, और उसके बाद आप लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं 17 फेब से। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ में मुझे कमेंट करके बताएं कि ट्रेन 18 वंदे भारत स्टार्ट होने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।